सभी का दिल जीत लिया। माँ यशोदा जब अपने कान्हा को सुलाने की कोशिश करती तो कान्हा अपनी मस्ती में खोए रहते। माँ की गोद में सोने का बहाना और फिर नटखट शरारतें करना, ये लीला अनोखी थी। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कैसे माँ यशोदा और गोपियाँ अपने कान्हा को सुलाने की कोशिश करती हैं। कृष्ण बड़े हुए तो उनके माखन चोरी और मटकी फोड़ने की लीला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। गांव की गोपियां उनसे परेशान पर उनके दिलों में उनके लिए असीम प्रेम। गोविंदा और उनकी टोली की मस्ती और मटकी फोड़ने का जोश आज भी हमें आनंदित करता है। तो आइए देखते हैं कान्हा और उनकी टोली का मटकी फोड़ने वाला जोशीला। जो सजीव हो उठता है हर गरबा और रास लीला में, राधा और कृष्ण का यह अनूठा प्रेम जो कभी ईर्ष्या में बदल जाता है तो कभी छोटी मोटी नोकझोंक में, पर उसकी गहराई असीम है। आइए अब हम देखते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम की एक झलक, जहां राधा बाकी गोपियों से जल उठकर कान्हा से सवाल करती है। जो संपूर्ण समाज के कल्याण की कथा महाभारत।